उन्होंने कैसे हो, वेलकम बैक टू अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो फ्रॉम बुरा भाई। सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे यार इस तबाही से मोन्टाज थंबनेल को एडिट कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल में। उसके लिए क्या क्या चाहिए, आपको पैक चाहिए, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके कर लेना डाउनलोड। पैक के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, प्रीसेट, फॉन्ट, इमेजेस, एंड गाइस अलग से एक और लिंक मिलेगी, उसके अंदर है ये वाला थंबनेल फ्री टू यूज़ में, जाके कर लेना डाउनलोड। ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला वीडियो। सो सबसे पहले गाइस, जो फ़ोटो है आपकी, मतलब जो स्क्रीन शॉट है जो थंबनेल एडिट करना चाहते हैं, वो सिंपली सबसे पहले हमें लाइटरूम में एडिट शेयर करना है, मतलब ऐड करना है लाइटरूम में, एंड लाइटरूम ओपन करना है। पैक में दो प्रीसेट के लिंक मिलेगी, नहीं मतलब पैक में दो प्रीसेट होंगे, डाउनलोड कर लोगे जब आप पैक, तो उसमें दो प्रीसेट होंगे, वो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कहाँ पर आपने पेस्ट करना है। तो सबसे पहले जो इमेज अभी हमने ऐड करी, सबसे पहले हमने यूज़र प्रीसेट्स में जाना है, सॉरी एक बार और क्लिक करता हूँ, यूज़र प्रीसेट सबसे पहले भूरा मोन्टाज 01 वाला यूज़ करना है नॉर्मल इमेज पे। सो देख सकते हो गाइस किस तरह की इमेज यहाँ पर हमारी हो गई है। तो नाउ सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर लेना अपनी गैलरी में, एंड PSCC ओपन कर लेना है। ठीक है गाइस, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, 1920x1080 का साइज़ रखना है आपने। नाउ जो अभी हमने अडोब लाइटरूम से सेव करी है इमेज, वो इमेज यहाँ पर ऐड कर लेनी है, मतलब ये वाली। ठीक है गाइस, एंड ये जो थंबनेल है इसकी लिंक मिल जाएगी गाइस, फ्री टू यूज़ है, डाउनलोड कर लेना। नाउ सिलेक्शन पॉलीगॉन टूल्स, हम यहाँ पे अपने जो कैरेक्टर है उसे कटआउट कर लेते हैं। वैसे तो मैंने ऑलरेडी कटआउट करा हुआ है, उसकी PNG बना रखी है ऑलरेडी, फिर भी एक बार आप लोगों को करके दिखा देता हूँ मैं कैसे कटआउट करना है आप लोगों को, फिर मैं बाकी दोबारा से अपना कैरेक्टर ऐड कर दूंगा यहाँ पे। इस तरह से बारीकी से यार एकदम जूम इन कर करके अपना जो कैरेक्टर है, इस हिसाब से प्लस वाले आइकन पर टैप करके लेयर फॉर्म सिलेक्शन करके अपना कैरेक्टर कटआउट कर लेना। सो सिंपली मैं यहाँ इसे डिलीट कर देता हूँ। नाउ फोटो लाइब्रेरी पर जाके PSCC से अपना जो कैरेक्टर का PNG है उसे पहले मैं ये करता हूँ। नाउ सिंपली इसकी सिलेक्ट पिक्चर्स करूँगा, इसे डिलीट कर दूंगा एंड लेयर फॉर्म सिलेक्शन कर दूंगा। ठीक है गाइस, नाउ गाइस अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो हमारा कैरेक्टर है, ठीक है गाइस, आराम से, मतलब आराम आराम से देख लो, सिलेक्ट पिक्चर्स करो, एम्पटी लेयर लो एक। नाउ सिंपली क्या करना है, ट्रांसफॉर्म पे जाना है, एक्सपैंड को आपने यहाँ 10 कर देना है, 10 करके डन कर दो। नाउ इसे नीचे की तरफ करके कर दो फिल, फिल कौन सा कलर करना है, जो एक कलर विजिबल हो रहा है ये वाला, एंड इसे लाइट कर देना है, जो भी आप अपना, जैसे कि आपने अगर रेड कलर रखा हो सो मे बी। नाउ स्टाइलिश पे जाना है, इसे ग्लासी इफेक्ट दे देना है। ठीक है गाइस, स्केल और ये अमाउंट देख लो, से अमाउंट 62। ठीक है गाइस, नाउ स्केल अपने हिसाब से चेक कर लेना कितना आपको परफेक्ट लग रहा है आपकी इमेज के लिए। नाउ सिंपली क्या करना है, अब आपने सबसे ऊपर वाली लेयर पे ले आके एक एम्पटी लेयर बनानी है। नाउ ब्रश टूल इनेबल करना है, कलर यही रखना है आपने, एंड साइज़ देख लो 39। नाउ जहाँ जहाँ पे ये है ऐसे बॉर्डर्स पर हमने ऐसे ड्रॉ कर लेना है, आराम आराम से ड्रॉ कर लो यार, इजीली, बहुत ही ईजी है। एंड गाइस यार, इस वाली वीडियो को प्लीज़ यार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, प्लीज़, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहा हूँ यार वीडियो को। सो लगभग हो ही गया, ओके गाइस हो गया। नाउ इसे हटा देता हूँ ब्रश टूल्स को। नाउ सिंपली हमें इसमें क्वेश्चन बड़ा डालना है, ठीक है गाइस, 30 से लेके 35 अराउंड इतना ही रखना बेस्ट रहता है। ठीक है गाइस, नाउ उसकी एक डुप्लीकेट लेयर करनी है, एक को हमने कैरेक्टर के नीचे कर देना है। नाउ उसकी ओपेसिटी अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कितनी आपने ओपेसिटी रखनी है, कम या ज़्यादा। नाउ जो ऊपर वाली है उसकी भी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देना। नाउ इसे मर्ज डाउन। ठीक है गाइस, नाउ अब बारी आती है हमारे टेक्स्ट की। सो नीचे वाली लेयर पर आना है, फोटो लाइब्रेरी पर जाना है। नाउ PSCC में, सॉरी सबसे पहले एक आप एक इमेज ऐड कर लेना, मतलब दो इमेज ऐड करके दिखा देता हूँ यहाँ पर ऐड करनी है। नाउ इसे मल्टीप्लाई करना है, ओपेसिटीज़ की आपने 71 कर देनी है। ठीक है गाइस, डन कर देना है। नाउ एक और इमेज ऐड करनी है यहाँ पे, फोटो लाइब्रेरी पे जाना है, नीचे की तरफ ही आना है पहले PSCC। पैक में सारी इमेजेस मिल जाएगी, पैक लिंक में, मतलब फॉन्ट लिंक भी मिल जाएगी। नाउ इसे स्क्रीन कर देना है। ठीक है गाइस, इतना हो गया। नाउ अब हमें टेक्स्ट ऐड करना है, यहाँ पे फोटो लाइब्रेरी पे जाना है, पिक्सल लैब पर जाना है,
एंड जो भी आपका टेक्स्ट है, वो जो भी आप लिखना चाहते हैं, सपोज़ दैट कि मैंने ये लिखा था मोंटाज, सो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। यार ये मैग्नेट टूल ना बड़ा ही दिक्कत देता है ना। उसके स्लैक पिक्सल्स करो, एम्पटी लेयर, सॉरी इसी में आप एक ग्रेडियंट कर दो। देख सकते हो गाइस कौन से ग्रेडियंट मैंने यूज़ करा, यही पहले नॉर्मल कर फिर ब्लैक, ठीक है गाइस। इसी तरह से आपने रखना है जिस तरह से मैंने करा है। नाउ क्या करना है, अब आपने इसकी सिलेक्ट पिक्चर करनी है, एम्पटी लेयर लेनी है। नाउ इसे करना है सबसे पहले इनवर्स, इनवर्स कर देना है, इनवर्स करके नाउ एंड पे क्लिक करके फिल कर देना है ये वाले कलर के साथ में, डन कर देना है। डन करने के बाद स्क्रीन पे एक बार टैप करना है, ग्लो पर जाना है, कलर आपने यही चूज़ करना है। नाउ ब्लर रेडियस को बढ़ा देना है थोड़ा, 18 अराउंड 18, हाँ 18 कर देना है, डन 18 कर दिया। नाउ सेलेक्ट पिक्सल्स करो, टेक्स्ट की ऊपर वाली लेयर पर आओ, एक्सट्रैक्ट कर दो एंड इसे आपने लीनियर डोज ऐड कर देना है। एंड भाई ओपेसिटी अपने हिसाब से देख लेना गाइस, ज़्यादा कम जो भी आपको लगे, ठीक है गाइस। एंड मच डाउन कर देना। नाउ एफएक्स पे जाना है, ड्रॉप शेडो पे जाना है, ब्लर रेडियस को कर देना है 0, कलर ब्लैक एक बार कर देना है, दो बार। नाउ अब हमें ब्लर रेडियस बढ़ा देना है दो बार करने के बाद, ठीक है गाइस। नाउ इतनी इमेज अब हमारी एडिट हो चुकी है परफेक्टली। नाउ इसे सेव कर लो। नाउ सेव करने के बाद यहां से हम डायरेक्ट शेयर करते हैं अडोब लाइटरूम में, ठीक है गाइस। ओके कर देता हूं मैं। सो शेयरिंग हो रही है अडोब लाइटरूम में। अरे हो जाए और जल्दी से, जल्दी आ जाए ऑप्शन। हाँ ओके। नाउ ऐड टू एलआर दिख रहा है गाइस आपको, ऐड टू एलआर पे क्लिक करना है एंड जो आपकी इमेज है वो देख सकते हो, एडिंग फोटो टू, नाउ इम्पोर्टेड, फिनिश्ड। नाउ अडोब लाइटरूम ओपन कर लेना है अपना, ठीक है गाइस। जो सेकंड वाली इमेज है अब हमारी, ये वाली। नाउ इसमें हमने प्रीसेट यूज़ करना है सेकंड वाला, जो पहले वाली इमेज पे हमने फर्स्ट यूज़ किया था, सेकंड वाली पे सेकंड यूज़ करना है, डन। और बूम से गाइस आपका थंबनेल, अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट पैक कर देता हूँ, वेट है सेकेंड। ओके गाइस देख सकते हो गाइस, बूम से यार थंबनेल एकदम तबाही वाला यार, गजब। पहले ऐसा था पर ऐसा हो गया यार, एकदम तबाही वाला मोंटाज थंबनेल रेडी हो चुका है। जाके जल्दी से यार पैक डाउनलोड कर लो, जल्दी से फटाफट शेयर कर लो। नाउ अब गाइस प्रीसेट की बात कर लेते हैं। ये पैक मिलेगा आपको भूरा एम जिप। नाउ इसे एक्सट्रैक्ट करना है जेड आर्चीवर की मदद से, जो एप्लीकेशन है उसके लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, कहीं पे भी कर देना। ये आ जाएगा भूरा एम डॉट, यहाँ फॉन्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है गाइस। एंड इमेज यूज्ड, जो मैंने इमेजेस यूज़ करी हैं, एंड मैं यहाँ पे कैरेक्टर की भी इमेज डाल दूंगा एंड थंबनेल भी डाल दूंगा। कॉपी कर लेना यहाँ से या कट, जो भी करना है आपने। एंड्रॉयड मोबाइल में जाना है, एंड्रॉयड में जाना है, डेटा में जाना है, अडोब लाइटरूम मोबाइल फाइल्स, करोशियो डॉक्यूमेंट्स, 00000, प्रोफाइल्स, सेटिंग्स, यूजर स्टाइल्स। एंड देख सकते हो गाइस ऑलरेडी यहाँ पर मेरा ये है, सो आपने पेस्ट कर देना है। एंड मैं अप्लाई टू रिप्लेस कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी करा हुआ है। सो उम्मीद करता हूँ गाइस यार आज की ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई आज की ये वाली वीडियो, सो गाइस ज़रूर से यार लाइक करना है इस वीडियो को एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, एंड सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।